नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली तो खुशी की लहर गाजीपुर तक भी दौड़ी चली आई। गाजीपुर में खुशी के मारे पटाखे छोड़े गए और मिठाइयां भी बांटी गईं। ये काम किया गाजीपुर जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने। सोमवार को जदयू जिला कार्यालय सकलेनाबाद पर पटाखे छोड़ मिठाई बांट खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जदयू विनीत तिवारी ने कहा कि भीतरघात से लेकर विरोधियों तक के निशाने पर रहने के बावजूद नीतीश कुमार को जीत मिली है। उन्होंने कहा कि 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद विषम परिस्थितियों के विपरीत जो सीटें आई हैं वो नीतीश जी की कामयाबी का प्रमाण है। हमें पूर्ण विश्वास है कि एनडीए सरकार बिहार में विकास की एक नई इबारत लिखेगी और अधूरे पड़े विकास कार्य व योजनाओं में तेजी लाने का कार्य भी करेगी। उन्होंने नीतीश कुमार संग शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई भी दी। इस मौके पर जदयू के प्रदेश सचिव योगेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस जीत के लिए हम बिहार की जनता का हृदय से शुक्रिया करते हैं। इसी विषमता के बाद भी जनता ने नीतीश जी पर भरोसा जताया और उन्हें सातवीं बार मुख्यमंत्री बना बिहार का गौरव बढ़ाया है। तिवारी जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड गाजीपुर। विनीत जी, आज आप लोगों ने खुशी का इजहार किया है, किस तरह का इजहार था और क्या उद्देश्य रहा इसका? देखिए, बिहार की जनता ने इतनी विषम परिस्थितियों के बाद एनडीए को बहुमत दिया और आज माननीय नीतीश कुमार जी सातवीं बार, ये एक ऐतिहासिक पल है, सातवीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का और हर्षोल्लास का ये दिन है। देखा जाए अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी का जदयू में कोई जनाधार नहीं है, फिर भी आप लोगों ने जो इजहार किया, क्या लगता है कि यूपी में भी कुछ इसका वर्चस्व रहेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, आने वाले समय में जहाँ तक विश्व सूत्रों से हम लोगों को पता भी चला है कि इस बार हम लोग जो है यहाँ भी काफ़ी सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। क्या 2022 के चुनाव में कुछ दखल रहेगा यूपी के चुनाव? बिल्कुल, 2022 के चुनाव में पूरा दखल होगा, जनता दल यूनाइटेड का इस प्रदेश में चुनाव लड़ने में और एक अहम भूमिका में रहेगी जनता दल यूनाइटेड यहाँ भी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2022 के चुनाव। बिहार में देखा जाता है कि ये दोनों पार्टियों में, देखिए अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व पे ये मामला है और इसका हाईकमान जो है अपना फैसला लेंगे, वो जो फैसला लेंगे हमें मान्य होगा। इस मौके पर सुनील सिंह, साकिब रहमान उर्फ खुर्रम, संग्राम सिंह यादव, राजकुमार श्रीवास्तव, उदय नारायण चौबे, जब्बार रायनी, मनीष पटवा, अजय गुप्ता, मनोहर खरवार, विनय तिवारी, परवेज रायनी, राजेश कुशवाहा, शुभम सिंह, विनय कुमार, रामकरण यादव, प्रिंस भारती, ओम नारायण यादव, गोपाल उर्फ टूरी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।